हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका चल रहा है चैप्टर 10, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। और आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया आप देखने वाले हो। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया पूरा बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। क्लोरोफॉर्म की जितने भी बनाने की विधियां मैंने 2 लेक्चर कराया, पार्ट 1 पार्ट 2, प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना। और आज जहां से मैं पढ़ाने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्पफुल होगा प्लीज एनुअल एग्जाम के लिए। जैसे क्लोरीटोन कैसे बनाया जाता है, या फास्जीन गैस का निर्माण कैसे होता है, रीमर टीमेन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए प्लीज आप लोग बेहतर रूप से कोशिश करेंगे समझने के लिए। आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा जल अपघटन कैसे होगा क्लोरोफॉर्म का। कुल मिलाकर के जो आज का रिएक्शन होने वाला है पूरा का पूरा क्लोरोफॉर्म पे बेस्ड है, यानी क्लोरोफॉर्म पे आधारित है। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म हर एक रासायनिक अभिक्रिया में हमको लेना है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म का, चाहे हम अपचयन करा लें या तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। देखो तीन अभिक्रिया क्रम से पढ़ेंगे, पहले ऑक्सीकरण पढ़ लेते हैं, फिर अपचयन पढ़ लेते हैं, फिर क्लोरोनीकरण पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने बनाने की विधि में भी बताया था कि क्लोरोफॉर्म से आगे चलकर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। हेलो एल्केन के बनाने की विधि में भी हमने बताया था कि जब एल्केन का हैलोजनीकरण कराते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म में मिलता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलता है। तो क्रम क्रम से एक दूसरे से रिलेट होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं यार, हेलो एल्केन बनाने की विधि में ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, सभी अभिक्रियाओं को पढ़ना क्यों जरूरत है, क्योंकि प्यारे बच्चों एक रिएक्शन यदि बन रहा है तो कहीं ना कहीं आगे चलकर वही रिएक्शन आपको हेल्प करेगा। इसलिए सभी रिएक्शन को पढ़ें, नोट डाउन करें, नोट्स बनाते चलें। तो पहला नंबर आप लोग हेडिंग लगाएंगे, कौन सा अभिक्रिया करा दूं, ऑक्सीकरण करा दूं। तो पहला नंबर है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसकी, क्लोरोफॉर्म की। यहां पर मैंने पहले से ऑलरेडी लिख दिया है क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अच्छा, इसमें मैं लिख सकता हूं वायु तथा प्रकाश का प्रभाव, ऐसा भी लिख सकता हूं क्लोरोफॉर्म पे वायु तथा प्रकाश का प्रभाव, यानी वायु और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की स्थिति क्या होती है, बहुत ही दयनीय दशा है, समझ लेना, समझ रहे हो। यानी वायु और प्रकाश मिल जाए तो भाई ये जो क्लोरोफॉर्म है ना बहुत ही खतरनाक बन जाता है, फास्जीन गैस का निर्माण करता है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर फास्जीन गैस का निर्माण करता है। यहां पर मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, 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 मैं जैसा बोलता हूं तो लिख लिया करो आप लोग। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत कम होती है, अपने जैसे मैं बहुत कुछ कोशिश करता हूं एडिट करने में, खुद एडिट करता हूं ध्यान रखो और खुद मैं अपलोड करता हूं। इसलिए क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया कर, किससे क्रिया कर, वायु से क्रिया कर। जब वायु से क्रिया करता है प्यारे बच्चों तो जानते हैं क्या बनाता है, जब वायु से क्रिया करता है तो वायु से क्रिया कर फास्जीन गैस का निर्माण करता है, फास्जीन गैस का, फास्जीन गैस का निर्माण करता है, ठीक है, फास्जीन गैस का निर्माण करता है जो कि अत्यंत विषैला होता है, जो कि अत्यंत विषैला होता है, अत्यंत विषैला होता है, ठीक है, विषैला होता है, ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है। अब मुझे पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, क्या है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, या चाहे आप नवजात ऑक्सीजन ले लो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो सनलाइट, तो सनलाइट कर दिया, सनलाइट के प्रेजेंस में फास्जीन गैस का निर्माण करता है, तो यहां से HCl निकाल दो तो बचेगा C, ऑक्सीजन क्रिया करके COCl2 बना लेगा और प्लस HCl बना लिया, ठीक है, यही है आपका फास्जीन गैस, क्या है, फास्जीन गैस। यहां पर देखो Cl3 है, वैसे तो आपका रिएक्शन कंप्लीट है कि नहीं है, यदि कराना है तो आप करा सकते हो, नवजात हमने लिए तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन नवजात की जगह यदि हम ऐसा लेते, देखो नवजात ऑक्सीजन ले लिया तो डायरेक्ट ऐसे जरूरत पड़ा, लेकिन यदि मैं ऐसा लेता CHCl3 O2 लेता, मैं
तो फिर क्या होता, ये सनलाइट है, मैंने डायरेक्ट नवजात ले लिया, नवजात यानी शिशु, ऑक्सीजन से टूट करके वो अकेला परमाणु है सनलाइट। तो फिर इस कंडीशन में मुझे COCl2 ही बनाना है और HCl का ही निर्माण करना है, लेकिन यहां से मेरे बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, और ऑक्सीजन 2 है इसलिए, देखो ऑक्सीजन 2 है इसलिए यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब क्लोरीन 2 × 4 और 4 × 2 कितना हो गया, 6, ठीक है, तो ये 3 × 6 हो गया, बाकी सब ठीक ठाक है, ऐसा है। इसके जगह मैं यदि इससे डबल ले लेता है ना, O2 से भी ज्यादा, मैं जैसे यहां पर 2 यहां पर अणु CHCl क्लोरोफॉर्म के 2 अणु हैं, इससे मैं 2 गुना कर दूं तो क्या होगा, यानी वायु के अधिक में, ये तो मान लो नॉर्मल वायु है, अत्यधिक मात्रा में वायु हो तो वायु के अधिक में क्या होता है, ये चीज आपको समझ लेना चाहिए, सूर्य के प्रकाश, बाकी सब वही रिएक्शन है, कुछ है नहीं, समझ लो। ये मैं यहां पे CHCl3 ले लिया, वायु अधिक मात्रा में है, ठीक है, इसको मैं 4 गुना कर दूं, अधिक मात्रा में वायु, तो वही चीज बनाएगा, ऐसा नहीं है कि फास्जीन गैस का निर्माण करेगा, फास्जीन गैस का ही निर्माण करेगा, लेकिन जो है क्लोरीन गैस बनता है, जब वायु अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो COCl2 बनाता ही है, लेकिन साथ में क्लोरीन गैस HCl नहीं बनता, फिर हमारा बनता है H2O, पानी का निर्माण होता है। जब वायु कम मात्रा में है तब मेरा फास्जीन गैस बना और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, लेकिन वहीं पे जब वायु की मात्रा अधिकता है, मतलब वायु अत्यधिक मात्रा में हो, तब जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो अपघटित होता है, तो क्लोरीन गैस अलग करता है, बैलेंसी करा लेंगे, बैलेंसी नहीं कराना तो देखो मैं आपको बताता हूं बैलेंसी कराने का तरीका। यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, वैसे तो क्लोरीन 3 है, तो सबसे पहले इसको सम करना पड़ेगा, तो सम कर दे, 3 × 6 हो गया, अब बड़े समस्या हो गया, यदि मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, 2 का यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन ऑलरेडी कितने हो गए, 2 हो गए, और ऑक्सीजन 2 और 2 ऑक्सीजन, यहां पे 3 ऑक्सीजन, बड़ा समस्या है यार, 3 ऑक्सीजन, एक काम करो सर यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, अब कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 × 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन यहां पे, 2 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दो, क्लोरीन कितने हो गए, 6, तो यहां पर 3 × 6 सही है, लेकिन अभी देखो कार्बन की वैलेंसी देखो जरा, कार्बन यहां पर मान लो 2 है, तो कार्बन यहां पर 2 है, ठीक है, एच यहां पर कितना है, 2 है, और यहां पर एच 4 है, तो एक काम करो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी 3 बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों 4 कार्बन हो गया तो यहां भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 ऑक्सीजन हो गया तो 3 × 6 ऑक्सीजन हो गया, तो 6 ऑक्सीजन में 4 ऑक्सीजन यहां चला गया, 2 ऑक्सीजन यहां पर चला, बैलेंसी का भी एक अलग फंडा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। तो ये ऑक्सीकरण हो गया, एक चीज यहां से क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा, जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है उसे किसी भी बॉटल पे रखते हैं तो बिल्कुल डार्ट तक भर के रखते हैं, साथ में उसको हम किसी न किसी कलर से लेपित कर देते हैं, जो भी हमारा बॉटल होता है उसको हम नीले कलर से या पीले कलर से, है ना, ऐसा हो कि वो प्रकाश किरण को अब्जॉर्ब ना कर पाए, ऐसा कोई भी कलर लगा सकते हो, आपके बुक में मुख्य रूप से नीले कलर का प्रयोग किया गया है और अंधेरे में रखा जाता है, ठीक है, नीले या भूरे कलर का जो भी यूज कर सकते हो, तो जो हम क्लोरोफॉर्म रखते हैं उसे हम एक बॉटल पे रखते हैं डार्ट तक भर करके, यानी पूरा जहां तक कवर लगाते हैं ऊपर का, जिसे बोलते हैं हम एक प्रकार से ढक्कन बोलते हैं अपने क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये हमारा कवर होता है, जैसे हम इसको मान लो बंद कर रहे होते हैं एक बॉटल का, ये ऐसे हमारा ऊपर का कवर होता है, इसके डार्ट तक हम भर के रखते हैं। दूसरी बात, इसे अंधेरे में रखा जाता है ताकि सनलाइट ना हो। तीसरी बात, इसमें हम कलर लगा देते हैं, मतलब जैसे नीला या भूरा कलर लेप देते हैं उसके ऊपर, बॉटल के ऊपर, और इसे अंधेरे में रखा जाता है सनलाइट की उपस्थिति ना हो। क्यों, इसका कारण यही है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जब भी हम क्लोरोफॉर्म को किसी बॉटल पे रखते हैं उसे डार्ट तक भर के, हरे या पीले रंग, है ना, या भूरे रंग के बॉटल पे रखते हैं, साथ में अंधेरे में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों यदि उसे अंधेरे में ना रखा जाए तो सनलाइट मिलेगा, प्रकाश की उपस्थिति होगी, और यदि उसे डार्ट तक ना भरा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ वायु की मात्रा होगी, जिससे वो प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके फास्जीन विषैला गैस का निर्माण करेगा, और जो विषैला गैस है मेरे बच्चों अत्यधिक खतरनाक होता है, इसलिए इसे हमेशा डार्ट तक फुल भर कर रखा जाता है, ताकि उस बॉटल के अंदर, जिस बॉटल में हमने भरा है उस बॉटल के अंदर, उस शीशी के अंदर किसी प्रकार से वायु ना रह पाए, इसी कारण से उसे डार्ट तक भरा जाता है।
कलर का मतलब यही होता है ताकि वो सनलाइट को ज्यादा ऑब्जर्व ना कर पाए, अंधेरे में इसी कारण से रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं बता दिया। और पहला रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। फिर बच्चों ऑक्सीकरण, ये किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हो? तो ये पढ़ रहे हो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया। तो प्लीज आप लोग लिख लेना, यदि क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफॉर्म को नीले या भूरे रंग की बोतल में मुंह तक मतलब ऊपर वाले सिरे तक, डाट तक भरकर अंधकार में रखा जाता है, क्यों? तो आप लोग बता देना भाई साहब, इसको अंधकार में रखने का कारण यही है ताकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस का निर्माण ना करे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलो, कुछ और हमें करना है भाई साहब, अपचयन कराना है। अपचयन में हमको अपचायक लेना है। क्या लेना है? अपचायक लेना है। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? क्लियर है, ठीक। दूसरा अभिक्रिया करा रहे हैं अपचयन। जितने भी अभिक्रियाएं आज ही करा दूंगा क्लोरोफॉर्म के, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। जितने भी 5-6 अभिक्रियाएं जो पेपर में पूछा जाता है, जो काम की चीजें हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी हम बताएंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा मैंने बता ही दिया कि मैं भाई साहब जिसमें भी फास्जीन भरूंगा उसमें भूरे या नीले रंग के कलर के आधार पर उसे डार्ट तक भर करके अंधेरे में रखा जाता है, क्यों? तो दूसरा नंबर आप लोग हेडिंग लगाएंगे अपचयन। क्या अपचयन? अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व अर्थात इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, तो अपचयन जैसे हम अपचयन करा रहे हैं, पहला नंबर है ZN और HCl के उपस्थिति में, किसके? HCl के उपस्थिति में, के उपस्थिति में जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 अपचयित होकर डाइक्लोरोमेथेन बनाता है। ठीक है, और तीसरा नंबर ये है, दूसरा नंबर आप लोग लिख लो कि ZN ही है और HCl के जगह H2O के उपस्थिति में जो आपका CHCl3 या क्लोरोफॉर्म है अपचयित होकर के मेथेन बनाता है। क्या बनाता है? मेथेन बनाता है। दोनों में अलग अलग रिएक्शन है। ये HCl है, अम्ल है, और ये हमारा पानी है, पानी हमारा एक लबड़ है, उदासीन है भाई साहब, इसलिए दोनों में अलग अलग रिएक्शन होता है। अब देखना जरा, क्लोरोफॉर्म की क्रिया करा रहे हैं CHCl3, यहां पे जो ZN है और HCl ले लिया हमने, यहां भी क्लोरोफॉर्म की ही रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं। ZN है, यहां पर H2O है। अब देखो, मुझे अपचयन कराना है, हाइड्रोजन अपने नवजात हाइड्रोजन ले रहा हूं, जितना चाहिए मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसी करानी है। नवजात हाइड्रोजन का मतलब बेचारा टूट कर आया है कहीं ना कहीं से, समझ रहे हो? चलिए अब देखो जरा, यहां पे जो है HCl के प्रेजेंस में ये अपचयित तो होता है, तो क्या बनाता है? CH2Cl2 बनाता है। अब यहां से एक क्लोरीन निकल गया है, और एक क्लोरीन निकला है इसलिए यहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है। एक क्लोरीन क्या बनाता है? डाइक्लोरोमेथेन। तो दो क्लोरीन है, एक कार्बन डाइक्लोरोमेथेन, और HCl का निर्माण कर लिया। बैलेंस यदि करानी है तो एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा है और एक हाइड्रोजन Cl के साथ क्रिया करके HCl बना है, तो 2H की आवश्यकता पड़ी हमें। अब यहां पर जो है H2O है और H2O के प्रेजेंस में मेथेन बनाता है। मेथेन का फार्मूला क्या है? CH4 है। ठीक है सर, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, और जब 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 3 क्लोरीन निकलेगा भी, तो 3 HCl का निर्माण कर लेगा। तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ी। तो ये हमारा हो गया अपचयन, और अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ध्यान रखना, जिंक एक अपचायक है लेकिन प्रेजेंस में HCl है, साथ साथ HCl भी एक अपचयन का अपचायक का काम कर रहा है, लेकिन इसके प्रेजेंस में डाइक्लोरो क्या बना? मेथेन बना। और यदि हम HCl को हटा करके H2O साथ में रख देते हैं तो हमारा मेथेन बनता है। यदि क्वेश्चन यहां से बन जाए कि क्लोरोफॉर्म से मेथेन बनाओ, निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न कराइए क्लोरोफॉर्म से मेथेन, तो फिर आपको इस रिएक्शन को देना पड़ेगा। मुख्य रूप से जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया प्राप्त कीजिए, और फिर दे देता है क्लोरोफॉर्म से मेथेन। तो फिर भाई साहब हमको याद होना चाहिए कहां पर हमने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म से मेथेन।
तो हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोफॉर्म होता है जिंक एक अपचायक की भांति कार्य कर रहा है, तो ये अपचयित करता है, हाइड्रोजन के साथ योग करता है भाई साहब क्लोरोफॉर्म और मेथेन का निर्माण कर लेता है, सिंपल रिएक्शन है। वहीं पे यदि आ गया कि क्लोरोफॉर्म से डाई क्लोरोमेथेन बना, ये डाई क्लोरोमेथेन है, ये आपका मेथेन है डायरेक्ट CH4, तो डाई क्लोरोमेथेन तो हमारा H2O के जगह HCl यहां पर ले लेते हैं, सिंपल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक रिएक्शन करते चलेंगे, सिंपल और कुछ भी नहीं है। अगला रिएक्शन नीचे में लिख दूं क्या, बहुत छोटा सा रिएक्शन है क्लोरोनीकरण, तो इसको मैं क्लीन करता हूं, यहीं पे लिख दूंगा तीसरा रिएक्शन। क्लोरोनीकरण मतलब क्लोरीन का जुड़ना, बहुत सिंपल है। तीसरा रिएक्शन है आपका क्लोरोनीकरण, किसका क्लोरोनीकरण सर, क्लोरोनीकरण, क्लोरोनीकरण मतलब क्लोरीन का जुड़ना, सिंपल है, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, जब भी हम क्लोरीन का अभिक्रिया करा रहे हैं हेलोइल्केन में, इसके पहले हमने बताया था क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, जैसे हमने मेथेन लिया था, मेथेन से क्लोरोफॉर्म बना दिया था क्लोरोनीकरण से ही, क्लोरीन के जुड़ने से ही, और जब हमारा क्लोरोफॉर्म बना था तो उसके अगले स्टेप में हमने बताया था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बना लेता है। अच्छा, यहां ही नहीं, हमने जब हेलोइल्केन बनाने की विधि में बताया था, वहां पे भी हैलोजनीकरण कराया था, हैलोजनीकरण में हमने बताया था कि सतत अभिक्रिया होती है, पहले एक Cl जुड़ा तो एक HCl निकला, फिर Cl जुड़ा फिर HCl निकला, लगातार अभिक्रिया चलती रहती है, Cl जुड़ता है HCl बाहर होता जाता है और अंत में CCl4 बनाता है। तो वही यह अभिक्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं जो आपका क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कर, किससे, क्लोरीन से क्रिया कर, क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है। चलो भाई साहब, क्लोरोफॉर्म का यहां पे फार्मूला लिख दो, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरीन से क्रिया करता है, सनलाइट, सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, थोड़ा ध्यान देना, एक एच यहां से निकलेगा और एक सीएल के साथ मित्रता करेगा और HCl बना लिया बच्चों, लो प्रेमी प्रेम, समझ रहे हो। अब यहां से भी H निकला है तो उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा, तो क्लोरीन को जोड़ लेता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेता है, दिस इज ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज ए क्लोरोफॉर्म, ओके, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है क्लोरोनीकरण, हैलोजनीकरण। यहां पर आप तीन बार पढ़ चुके इस चैप्टर में यही अभिक्रिया, एक हमने पढ़ाया था हेलोइल्केन बनाने की विधि में, वहां पे भी हमने बताया था कि हेलोइल्केन तो बन जाता है लेकिन इसमें और कई सारे यौगिक बनकर तैयार हो जाते हैं, सतत अभिक्रिया लगातार चलती रहती है, कई सारे इसलिए उपयुक्त नहीं था वो। हमने ये भी बताया था कि क्लोरोफॉर्म बनाने की उपयुक्त विधि नहीं है क्योंकि इसमें कई सारे यौगिकों को मिश्रण मिल जाता है। इसके बाद क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में हमने बताया था कि लगातार हम मेथेन का क्लोरोनीकरण कराते जाएं तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है, और फिर से हम बता दिए कि क्लोरोफॉर्म का अगले स्टेप में क्लोरोनीकरण करा दिए तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना लेता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, चार क्लोरीन है इसलिए टेट्रा क्लोराइड हम बोल रहे हैं। तो ये हमारा क्लोरोनीकरण हो गया, ठीक है। अगला हमारा है जल अपघटन, काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा एक मिनट में जल ग्रहण कर लेता हूं फिर जल अपघटन पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है बच्चा लोग, समय आपको देता हूं, बिंदास आप लोग पढ़ा करो, है ना, वीडियो को रोक लो, बढ़ा लो, आपकी फुल मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जल अपघटन। चलो, कौन सा अभिक्रिया आज का चौथा अभिक्रिया है, जल अपघटन, जल अपघटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल अपघटन में या तो जलीय ले लेंगे या तो एल्कोहली, जलीय एल्कोहली KOH के साथ क्रिया कर, जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म
जलीया जलीया एल्कोहाली क्लोरोफॉर्म जलीया एल्कोहाली QOH के साथ QOH के साथ क्रिया कर पोटेशियम फार्मेट बनाता है पोटेशियम फार्मेट बनाता। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सर हमको रटना पड़ेगा पोटेशियम फार्मेट? नहीं नहीं रटना पड़ेगा, देखना थोड़ा समझना। मैंने कहा कि ये जो CHCl3 है ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये तो सर पुरानी बात हो गई, ये तो हमको पता है। हाँ हाँ जानता हूं आपको पता है, थोड़ा समझना। तो मैंने कहा आपको पता ही है, तो ये कार्बन है, इसमें कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन। देख लो जरा कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन। तो जब 3 क्लोरीन है, यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कोई गुनाह है तो मैंने नहीं किया, समझाने के लिए ऐसा लिख दिया। ठीक है सर, KOH के साथ जलीय एल्कोहली KOH होना चाहिए, तो मैं KOH ले रहा हूं, लेकिन यहां 3 Cl है तो 3 K की जरूरत पड़ेगी, तो KOH मैंने 3 ले लिया, 3 KOH के मैंने यहां पे प्लस कर दिया। अब जब ये जो रिएक्शन होगा, अब इसको यदि मैं शॉर्टकट में लिखता तो बोलता बेटा CHCl3 और 3 KOH ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो मैं बोलता बच्चों लोग यहां पे ये क्या होगा, क्रिया कर लेगा, बाकी तो 3 OH बचेगा। तो इसको समझाने के लिए इतना बड़ा करना पड़ा मुझे। अब थोड़ा समझना, ये जो है KCl बढ़िया सा अपने साथ मौज मस्ती करेंगे, HC है, OH है, OH है और ये OH है बच्चों लोग। और यहां पर जो मिला KCl, ये KCl KCl KCl, कितने KCl मिल गए? 3 KCl का निर्माण हुआ। देखो जरा क्या क्या बन रहा है लास्ट में, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, यहां तक कंप्लीट हुआ? यहां तक समझ में आ गया? अब मेरे पास जो ये कंपाउंड मिला है ये अभी शांत नहीं रहेगा। देखो HC है, OH है, OH है और OH है, इसमें से एक अणु जल, ये देखो ये जो है जल का निर्माण करता है। अब क्या बचा? सी है यहां पे हमारे पास, OH है और डबल बॉन्ड O, दिस इज ए फार्मिक एसिड, HC डबल OH फार्मिक अम्ल है, ये क्या है? फार्मिक अम्ल बन गया, फार्मिक एसिड कहते हैं। और HOH अब घटित होकर के H2 बना दिया। देखो एक लाइन में पूरा रिएक्शन लिख दूंगा मैं, फिर आप कंफ्यूज मत होना, एक लाइन में पूरा रिएक्शन लिख दूंगा। इतने में ये शांत नहीं रहता, बनाता क्या है? पोटेशियम फार्मेट। तो एक स्टेप और मैं लिखूंगा, देखो जरा, ये मेरे पास H है, C है, OH है, डबल बॉन्ड है, फिर KOH के साथ क्रिया करता है। क्या करता है? KOH के साथ क्रिया करता है। क्या गलत है? नहीं है ना? ठीक, तो एक काम करो, ये जो H है OH के साथ जुड़ेगा तो क्या बना सकता है? H2O बना सकता है, और यही मेरा है पोटेशियम फार्मेट। क्या है? पोटेशियम फार्मेट। दिख रहा पोटेशियम फार्मेट? बिल्कुल दिख रहा आपको, पोटेशियम फार्मेट है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या कर दिया आपने? मैं बताता हूं क्या क्या किया मैंने। यहां इसको लिख लेना, क्लोरोफॉर्म जलीय एल्कोहली QOH के साथ क्रिया कर पोटेशियम फार्मेट बनाता है। इसको मैंने क्या क्या किया? मैंने क्लोरोफॉर्म की क्रिया करा दी QOH के साथ, और कछु कुछ भी नहीं किया मैंने। थोड़ा समझना, मैंने कहा कि क्लोरोफॉर्म है CHCl3, एक ही क्लोरोफॉर्म था, ठीक सर, इसकी क्रिया मैंने कराई KOH के साथ, तो 1 2 3 4 KOH, ये 4 KOH है, इसके साथ क्रिया करा दी तो मुझे मिला, मुझे लास्ट में जो मिला ये मिला मुझे HC डबल OK। साथ में H2O, कितने H2O? 2 H2O मिल गए और 3 KCl। चाहो तो आप एक लाइन में अभिक्रिया करा दो। अब कहोगे सर ये कहां गए? तो बच्चा ये दाएं वाला जो भाग है,
ये बाएं वाले भाग से कट जाएगा, ये वाला भाग है ए वाले भाग से कट जाएगा, ये बीच में अंतिम जो उत्पाद है वो हमें ये प्राप्त होता है। इसके अंदर इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। एक एक स्टेप में इसलिए बता रहा हूं इसको क्योंकि तीन, तो ये किन्हीं तीन से ही क्रिया करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो केसीएल केसीएल के, तो तीन KOH ले लिया मैंने और एक KOH यहां जरूरत पड़ गई तो चार KOH टोटल हो गया। फाइनली ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये बचा तो ये लिख दिया हमने, दो H2O बचा तो ये लिख दिया हमने, KCl तीन है तो तीन KCl बना दिया। तो हमने क्लोरोफॉर्म की क्रिया जलीय एल्कोहली KOH के साथ कराई तो अब घटित हुआ टूटा और बनाया पोटेशियम फार्मेट। क्या बनाया? पोटेशियम फार्मेट। तो रिएक्शन कौन लिखेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन कर लो भाई। अभी हम चार अभिक्रिया कराएंगे जो कि हर एक अभिक्रिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो भाई साहब? चलो क्लियर कर दूं। हाँ सर, कार्बिलेमीन अभिक्रिया पढ़ो, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लो। कार्बिलेमीन अभिक्रिया, ये किसका अभिक्रिया पढ़ रहे हो? तो हम क्लोरोफॉर्म की ही रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यानी भाई साहब प्राथमिक एमीन लेंगे हम, प्राथमिक एमीन तो लेना पड़ेगा, कार्बिल एमीन है तो प्राथमिक एमीन, तो क्लोरोफॉर्म की जो क्रिया है वो प्राथमिक एमीन से कराएंगे। ठीक है, हम भैया बेहतर रूप से देखो जरा। चलो क्लोरोफॉर्म हमने कहा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन, प्राथमिक एमीन कोष्ठक में एनिलीन के साथ क्रिया कराएंगे। एनिलीन वाह, KOH के साथ गर्म करने पर KOH ले ले, वाह KOH बिलियन के साथ गर्म करने पर, बिलियन के साथ गर्म करने पर फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अब ये कहाँ समझ में आएगा? अब थोड़ा बहुत ये प्रायोगिक है, मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता हूँ। गर्म करने पर विषैला पदार्थ, दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ फेनिल आइसो साइनाइड, फेनिल आइसो साइनाइड प्राप्त होता है। फेनिल आइसो, आइसो की आइसो होगा भाई साहब, आइसो या आइसो क्या कहते हो? ये आइसो होना चाहिए, आइसो होना चाहिए, आइसो साइनाइड प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, इसे हो सकता है आपको याद करना पड़े। अब एनिलीन की बारी आ गई। सर एनिलीन क्या है? एनिलीन तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम बताए थे C6H5NH2, ये एनिलीन है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 KOH, आप कहोगे सर तीन KOH फिर से ले लिए, फिर से लोचा हो गया। हम बता रहे हैं तीन KOH लेने का तात्पर्य है कि तीन KCl का निर्माण होगा, इसलिए तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, साइनाइड नहीं, फेनिल आइसोसाइनाइड। कैसे? थोड़ा समझना, बिल्कुल समझना, कोई कठिन नहीं है। एक काम करो, ये जो तीन KCl है ना, इसे बेचारे को तीन KCl के रूप में अलग कर दो। ठीक है, कर दिया मैंने। ठीक है, यहां पर जो H2 है वो बेचारा, यहां पर तीन OH है, ठीक है, और यहां पे H2 है, H2 और एक H यहां से आएगा, तो ये क्या बना सकता है? एक, तीन, चार, पांच, छह एच है और तीन ऑक्सीजन है, तो H2O का निर्माण करेगा, पानी का निर्माण करेगा, वो भी तीन अणु। और आइसोसाइनाइड का नहीं, NC डबल बॉन्ड उपसर्ग संयोजी बंध, ये फेनिल आइसोसाइनाइड। दिस इज ये रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्लीज बोर्ड एग्जाम, एनुअल बोर्ड एग्जाम के लिए
वार्षिक एग्जाम के लिए भाई साहब कार्बिलिन एमीन अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्लोरोफॉर्म है वो प्राथमिक एमीन और KOH के विलयन के साथ यदि क्रिया करता है तो फिर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड बनाओ तो ये अभिक्रिया आपको देना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि यदि आ जाए कि एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड तो फिर क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराना पड़ेगा एनिलीन का। लिख लो ये एनिलीन है, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, फेनिल आइसोसाइनाइड। देखो जरा सोच लो, समझ लो, लिख लो, मैं किसी को रोक टोक नहीं करूंगा। एक एक लाइन काफी महत्वपूर्ण होता है। अभी भी तीन अभिक्रिया हमें पढ़ना है। तो क्लोरोफॉर्म कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या याद रखना है आपको, कार्बिल एमीन शब्द से, कार्बिल एमीन तो प्राथमिक एमीन लेना है, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया तो क्लोरोफॉर्म तो लेना ही पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म CHCl3, तीन क्लोरीन है तो क्लोरीन को हटाने के लिए कोई ना कोई भाई साहब धनात्मक चीज होना चाहिए, तो तीन KOH हमने ले लिया। और वैसे भी कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो CHCl3 क्लोरोफॉर्म है वो सिंगल किसी एक से नहीं करता, बिलियन में होना चाहिए, और बिलियन दो पदार्थों से मिलकर बनेगा। तो भाई KOH और एमीन एनिलीन मिला दिया तो बिलियन बन गया। चीजें क्लियर है भाई, एक एक चीज समझा रहा हूं तो प्लीज आप लोग ले लिया करो, लिख लिया करो, जो भी दे रहा हूं तो ले लिया करो। अब यदि नोट्स लेना है तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। बोलेंगे सर हर वीडियो में बताते हो, बिल्कुल बताना पड़ता है क्योंकि जो बच्चे नहीं जानते हैं कुछ हो सकता है भाई, ये तो मैं गारंटेड कहता हूँ, जितना मेरे से जुड़े हैं वो पढ़ नहीं पाए ना, तो हर वीडियो में कम से कम 10-20 हज़ार व्यू आ ही जाए, लेकिन पता नहीं लोग पढ़ते ही नहीं है, मोस्ट के चक्कर में रहते हैं, पेपर वायरल हो रहा है। बोले सर अब क्या करूँ, मुझे तो पेपर पढ़ना है, ये सब टॉपिक पढ़कर मैं क्या करूंगा। लेकिन मेरे MP बोर्ड के सभी बच्चों से आग्रह है कि कृपा करके नकल करना छोड़ दो, उम्मीद ज्यादा करते हो नकल पर, सभी नहीं करते। संघनन, संघनन मतलब जैसे आपसे बोला जाए संघनन क्या है, किसी पदार्थ के संघनन का अर्थ क्या है, उनके अणुओं का पास पास आना। जैसे बादल आपको दिख रहा होता है तो वास्तविक रूप से क्या वो बर्फ है, नहीं, वो वाष्प के रूप में तैर रहा होता है वायुमंडल में, लेकिन जब उसके अणु पास पास आते हैं तो संघनित हो जाते हैं, और संघनित होते हैं तो बूंद का निर्माण हो जाता है और नीचे आ जाता है। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म का संघनन कराएंगे और क्लोरीटोन का निर्माण करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन, लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन, क्लोरीटोन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन या कि क्लोरोफॉर्म का संघनन अभिक्रिया कराओ, समझ रहे, क्लोरीटोन बनाना है तो हमको क्लोरीटोन, टोन 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 कहां से आगे, एसीटोन, क्लोरीटोन तो एसीटोन में टोन है, समझ रहे हो, तो एसीटोन लेना पड़ेगा, एसीटोन से क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है। बहुत ही सिंपल है, सर एसीटोन का फार्मूला हमें नहीं पता, CH3CO CH3 एसीटोन, अरे ये कहां से आ गए, एसीटोन क्लोरीटोन टोन है तो एसीटोन क्लोरो से क्लोरीन और टोन तो एसीटोन, ऐसे ही हम याद करते थे अपने जमाने में कि सर क्लोरीटोन कैसे बनेगा, तो ये क्लोरोफॉर्म और टोन तो एसीटोन, ये दोनों क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्रिया करता है, तो CH3 और C डबल बॉन्ड O है, ये हमारा है एसीटोन। कहो कैसे आ गया सर, CH3CO CH3 इसी को हमने ऐसा बनाया तो हमारा एसीटोन है, क्या ये एसीटोन है। अब प्यारे बच्चों हम करा रहे हैं क्रिया CHCl3 से कुछ नहीं, संघनन मतलब जुड़ जाना, तो CH3 था तो CH3, इधर CH3 था तो CH3 कर दो, दोनों के साथ कार्बन है, O है तो O रहने दो, CCl3 एक जगह जोड़ दो और H आकर यहां जुड़ जाएगा, यही है क्लोरीटोन, यही क्या है क्लोरीटोन। तो भाई साहब यहां पर लिख दो क्लोरीटोन, सर हिंदी नहीं लिखाओगे क्या, लिखाऊंगा, NaOHr के प्रेजेंस में अभिक्रिया होता है क्लोरीटोन। तो भाई क्लोरी, क्लो से क्लोरोफॉर्म, टोन से एसीटोन, दोनों को हमने मिला दिया, किसके उपस्थिति में क्रिया कराइए, NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके, है ना। चलो तो यहां पर लिख लो, अब लिख ही लो सर, लिखाई दो, NaOH की उपस्थिति में, NaOH के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म व क्लोरोफॉर्म का एसीटोन से संघनन होता है, एसीटोन से संघनन होता है तथा क्लोरीटोन बनता है, क्लोरीटोन बनता है। यदि ऑब्जेक्टिव आ जाए कि भाई साहब निम्न में से कौन सा कीटनाशी है, तो जो क्लोरीटोन बन रहा है एक प्रकार से कीटनाशी दवाइयां बनाई जाती है इससे, यानी क्लोरीटोन छिड़काव कर दिया जाए तो कीट क्या है, मर जाते हैं। तो कीटनाशी दवाई क्लोरोफॉर्म से बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यार क्लोरोफॉर्म से फास्चीन जैसे गैस विषैला पदार्थ, क्लोरोफॉर्म खुद एक निश्चेतक का काम करता है, सूंघ लो तो आप बेहोश हो जाओगे, अत्यधिक मात्रा में सूंघ लो तो अत्यधिक मात्रा में सो भी जाओगे, समझ रहे हो, यानी बहुत ज्यादा सूंघ लिए तो बहुत ज्यादा सोओगे आप। क्लोरोफॉर्म कभी नहीं सूंघना, ट्राई मत करना कभी भी लैब में, ठीक है, जिसे लेबोरेटरी कहते हैं। अरे कोई बात नहीं, तो लैब में कभी भी जाए वो भाई साहब ये चीजें आपको दिख जाए, क्लोरीटोन CHClC क्लोरोफॉर्म, तो ये जो विषैले चीजें हैं, तो कभी भी आप यूज ना करें, कभी भी भूल चूक कर भी गलती ना करें, कभी भी यूज करने की कोशिश ना करें। ओके, कोई दिक्कत, चलो अब हम पढ़ेंगे क्लोरोपिक्रिन। ये हमारा प्रक्रिया कंप्लीट हो गया, क्लोरीटोन, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल है, और जिसे ही कहते हैं नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना, और नाइट्रो समूह कहां से मिलता है, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल से। जब भी हम नाइट्रीकरण कराते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो HNO2 ले लो नाइट्रस अम्ल, या तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो सांद नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में या सांद नाइट्रिक अम्ल के साथ क्लोरोफॉर्म क्या करता है, क्रिया करता है और क्या बनाता है, क्लोरोफिक्रिन का निर्माण करता है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा क्लोरोफॉर्म से, क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, समझ रहे, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन, ये बन गया। और दूसरा ये है इसका क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण। तो देखो नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रीकरण, सांद नाइट्रिक अम्ल के साथ जो है क्लोरोफॉर्म की क्रिया करा दें, ठीक है, तो भाई साहब जो हाइलोजन परमाणु है नाइट्रो मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल, क्या सांद्र HNO3 के साथ CHCl3 की क्रिया कराने पर, यानी क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु, क्या हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। देखो कैसे प्रतिस्थापित होगा, क्लोरोफॉर्म तो सबको पता है, हाँ सर, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला किसको किसको पता है, CHCl3, अरे नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, सर इसमें 3 क्लोरीन है, हमको भी पता है, और एक H है, सही बात है, ये चीज़ तो सबको पता है ना कि क्लोरोफॉर्म में 1 कार्बन और 3 क्लोरीन और 1 H है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ HONO2, सही बात है, लिख सकते हो सर, लिख दो HONO2, कुछ नहीं। ये बेचारे पास में आए, बारात में गए, लड़का लड़की को देखा, फ्रेंडशिप हो गई, तो कहे चलो साइड में होकर बात करते, चले गए साइड में चले गए, HCl बनेगा, H2O बनेगा। भाई सबके सामने तो बात करने में जिज्ञासा नहीं उत्प्रेरित होगा उनका, तो थोड़ा सा ये प्रेम ही प्रेम करने लगे, OH जो है H से क्रिया करके H2O, प्लस माइनस से ही प्रेम करता है, कभी प्लस प्लस से नहीं करता है, नहीं तो लड़के लड़के से ही दोस्ती कर लें, बहुत ही कम रेयर कंडीशन में। कभी आप देखे हो कि एक दोस्त लड़का लड़का से अलग हो जाए तो रोता है, बहुत कम रोते हैं, लेकिन कहीं लड़का जो लड़की से अलग हो जाए तो फिर तो बोलता है भाई मैं मर ही जाऊँगा, पागल है साला, मूर्ख है,
लड़की के बिना मर ही जाएगा वो, समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन यहां पर OH जो है H के साथ संयोग करा और H2O का निर्माण कर लिया, पानी बना लिया भाई साहब, पानी बना लिया। यह अभिक्रिया जो है हमारा है क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण है, और ये जो है क्लोरोपिक्रिन है, क्या है क्लोरोपिक्रिन, पिक्रिन कौन लिखेगा, कौन याद करेगा, मैं, मुझसे तो याद है, मैं एग्जाम तो आज से 9-10 साल पहले दे चुका हूं, अरे बहुत ज्यादा, हाँ 10 साल हो गए, 2023 में अब एग्जाम होगा और 2013 में मैंने एग्जाम दिया था 12th क्लास का, समझ रहे हो। उस समय मेरा सबसे वीक जो सब्जेक्ट था वो केमिस्ट्री, सबसे कम नंबर केमिस्ट्री में आए थे, और तब से मैंने सोचा था यार जब मैं BSc किया तो मैं थोड़ा सा फोकस किया कि यार केमिस्ट्री बन क्यों नहीं रहा है वास्तविक रूप से, और इनका मैकेनिज्म उतना मैं इतना डीपली नहीं जाता हूं, क्योंकि कम समय में सोचता हूं यार आपको समझा दूं बोर्ड लेवल की। नाइट्रीकरण हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आखिरी अभिक्रिया पढ़ेंगे जो रीमर टीमेन अभिक्रिया है। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण करा दिया हमने, संघनन भी करा दिया हमने, कार्बिलेमीन भी करा दिया, और रीमर टीमेन अभिक्रिया भाई साहब काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोगों को करना पड़ेगा। क्या रीमर टीमेन अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लोरोफॉर्म से हमने क्लोरोपिक्रिन भी बना दी, क्लोरीटोन भी बना दी, फेनिलाइसोसाइनाइड भी बना दी, फास्जीन गैस भी बना दी हमने, मेथेन भी बनाया हमने, डाइक्लोरोमेथेन भी बना दिया, अब क्या चाहिए, पोटेशियम फार्मेट भी बना दिया, क्वेश्चन आ सकते हैं ना ऐसे। अब हमारा है रीमर टीमेन अभिक्रिया, ठीक है, चलो यहां पर आप लोग लिखो रीमर टीमेन अभिक्रिया, लास्ट है आज का जो कि काफी महत्वपूर्ण, रीमर टीमेन अभिक्रिया। टीमेन मतलब चाय वाला है ना, MBA चाय वाले तो नहीं भाई, करोड़पति आदमी, टीमर रीमर है, रीमर ध्यान रखना ना, रीमर टीमेन, रीमर से याद आता है चीमर, चीमर मतलब जो पैसे खर्च नहीं करता है ना, टीमेन चाय बेचने वाला टीमेन कहलाता है, समझ रहे हो। चलो तो जब हम क्लोरोफॉर्म को, किसको, क्लोरोफॉर्म, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, इसको हम फिनाल और सांद्र क्षार ले लें, क्षार मतलब जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र क्षार और क्या क्या ले लें, सांद्र क्षार, सांद्र क्षार कोष्टक में लिख लो NaOH, क्या NaOH तथा फिनाल, क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार तथा फिनाल के साथ, फिनाल के साथ गर्म करने पर, लगभग 60-70 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, गर्म करने पर अर्थो सेल्सिल एल्डिहाइड बनता है, अर्थो अर्थो सेल्सिल एल्डिहाइड बनता है, कोई दिक्कत नहीं, अर्थो पोजीशन पे हमारा जुड़ेगा, एल्डिहाइड CHO फॉर्मेट होता है। फिनाल का फार्मूला तो पता होना चाहिए, बेंजीन रिंग है इसके साथ OH जोड़ दो, फिनाल है, NaOH की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, तो पहले आप NaOH मत लिखो, क्योंकि भाई साहब क्लोरोफॉर्म है तो बीच में कर दो CHCl3, और दो लोग आए हैं तो किनारे किनारे बैठा दो NaOH, ये लो भाई साहब रीमर टीमेन अभिक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना क्या क्या बन सकता है, जरा ध्यान दो, जो क्लोरीन है वो Na से क्रिया करके NaCl बना लेगा, सही बात है ना, जैसे क्लोरीन है ये Na से क्रिया करके NaCl बना लेगा, NaCl बना लिया, ठीक है, दो क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन है तो 2NaCl बना लो, 2Na, अब 2Na है तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, अब देखो हमारे पास यहां पर H है, 2H है तो 2H है तो H2O बना सकता है, तब हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग है इसमें OH जुड़ा ही है, ये CHO जोड़ दो तो ये हमारा बन जाता है फिर बच्चों अर्थोसेल्सिल एल्डिहाइड, ठीक है। ये मेरे पास यदि प्रधान क्रियात्मक समूह है तो इसका अर्थोपोजिशन हो जाएगा, अर्थो पे ही OH जुड़ा हुआ है, अर्थोसेल्सिल एल्डिहाइड बन गया, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन, लेकिन हो सकता है बैलेंसी सही ना हो
तो एक काम करो, CHCl2 तो होता ही नहीं है यार, Cl3 होता है भाई, तो यहाँ पर 3 ले लो, तो यहाँ पर भी 3 ले लो। अब पानी कितना बनेगा, क्योंकि 1H यहाँ से निकलेगा, 3H यहाँ से, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये लो। अब हमारा कंप्लीट हो गया रीमर टीमेन अपक्रिया। रीमर टीमेन अपक्रिया में फिनाल के संगत क्रिया कराते हैं, किस क्रिया कराते हैं बच्चे लोग, क्लोरोफॉर्म की सांद्र NaOH की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, तो हमें अर्थो सेल्सिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और बस यार इतना ही करना था हमें। ठीक, इसका उपयोग वगैरह आप लोग पढ़ लेना, आयोडोफॉर्म बनाने की विधि अगले लेक्चर में कराएंगे, आयोडोफॉर्म की महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। क्लोरोफॉर्म यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं तो फिर आयोडोफॉर्म आसानी से बन जाएगा। ओके, ठीक है, इसका मतलब थम्स अप कर दीजिएगा, और नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दे के रखा हूँ, पर्सनल नंबर है, प्लीज बिना काम के कॉल ना करें, और यदि आपको बहुत ही जरूरी काम है, ठीक है, तभी आप कॉल करें। जय हिंद, वंदे मातरम।